हमने क्या कहा आपसे क्वेश्चन में कि बाई बराबर यू सी एफ का एक भाग अगर आपको ज्ञात है तो बाई बराबर यू भी दिए हुए अवकल समीकरण का पूर्ण हल मानोगे। अगर हमें बी की वैल्यू ज्ञात हो जाए, अगर आपको बी की वैल्यू ज्ञात हो जाए तो आप बी की वैल्यू बाई बराबर यू भी में रखोगे और पूर्ण हल ज्ञात हो जाएगा। अब बाई बराबर यू भी दिए हुए अवकल समीकरण का आपने पूर्ण हल माना है तो ये अवकल समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो आप अवकल समीकरण को संतुष्ट कराओगे और संतुष्ट कराने के बाद बी में एक रैखिक अवकल समीकरण बनेगी और रैखिक अवकल समीकरण बनने के बाद उसे आप हल करोगे और हल करने के बाद बी का मान निकालोगे। जैसे ही आपको बी का मान ज्ञात हो जाएगा तो आप दिए हुए अवकल समीकरण का पूर्ण हल लिख दोगे। ठीक है भाई, तो पूर्ण हल निकालने के लिए आपको वी की वैल्यू निकालनी होगी। अब वो बी की वैल्यू तो आप तब निकालोगे जब पूरक फलन का आपको एक भाग ज्ञात हो, तो बी की जो वैल्यू है आप तभी निकाल पाओगे जब पूरक फलन का आपको एक भाग ज्ञात हो। तो पूरक फलन का आपको एक भाग अगर ज्ञात है तो ही आप बी की वैल्यू निकाल पाओगे। तो बी की वैल्यू निकालने से पहले आपको यू की वैल्यू निकालनी होगी। तो यू की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो चीज़ सीखेंगे भाई। तो बी की वैल्यू निकालने से पहले आपको यू की वैल्यू निकालनी होगी और यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम आपको यहाँ से बताएंगे। तो देखिए भाई, सी एफ या पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना। पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना, पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना। तो देखिए, पूरक फलन का आप जो है एक भाग कैसे ज्ञात करोगे वो चीज देखेंगे। तो देखिए, आपको पूरक फलन का एक विभाग ज्ञात नहीं है तो उसका एक भाग हम ज्ञात कैसे करेंगे। पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना निरीक्षण द्वारा, निरीक्षण निरीक्षण द्वारा पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना। माना दिया हुआ समीकरण है तो पूरक फलन निकालना है भाई, तो जीरो होगा बराबर में। माना दिया हुआ अवकल समीकरण है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का क्यू वाई बराबर जीरो। माना दिया हुआ अवकल समीकरण है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर जीरो। ये हमने दिए हुए अवकल समीकरण को मान लिया। अब दिया हुआ अवकल समीकरण आप मान चुके हो, अभी पूर्ण हल आपको पता नहीं है तो पूर्ण हल कैसे निकाला जाएगा वो चीज़ देखिए। तो इसमें दो केस लगा रहे हैं, केस फर्स्ट या तो दे दे वो हो सकता है और ना भी दे तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट माना y बराबर e की पावर एम एक्स समीकरण एक का हल है। समीकरण एक का क्या मान लिया आपने, हल है। अब समीकरण एक का आप हल मान रहे हो तो समीकरण एक को क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा। और समीकरण एक को संतुष्ट कब करेगा, तो माना बाई बराबर ए की पावर एम एक्स समीकरण एक का एक हल है। जब समीकरण एक का एक हल है तो समीकरण एक को क्या करेगा भाई, ये संतुष्ट करेगा। तो दे आर फोर यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले तो आएगी डी वाई बाई डी एक्स की, वो कितनी निकलेगी एम ए की पावर एम एक्स, तथा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो निकल रही है एक और एम आ जाएगा आपका ए की पावर एम एक्स। मान एक में रखने पर क्यों रख रहे हो, क्योंकि एक को ये क्या करेगा, संतुष्ट, और आपने इसको एक हल माना है। तो एक में जैसी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस पी एम ई की पावर एम एक्स प्लस क्यू ई की पावर एम एक्स इक्व टू जीरो।
यहाँ से जो कॉमन आ जाएगा भाई e की पावर एम एक्स कॉमन, तो एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्व टू जीरो। अब चूंकि ये आपने हल माना था तो ये तो जीरो के बराबर होगा नहीं, तो ये वाली वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि e की पावर एम एक्स नॉट इक्व टू जीरो, अतः एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्व टू जीरो। तो देखिए, अगर इस प्रकार का कोई भी अवकल समीकरण दिया हुआ है और एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर अगर आपका जीरो हो जाए, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर अगर जीरो है, तो वाई बराबर ई की पावर एम एक्स दिए हुए वाई बराबर ई की पावर एम एक्स दिए हुए अवकल समीकरण का एक हल है। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसमें भी केस में भी सब केस चल जाएंगे भाई आपके, तो केस में भी सब केस कैसे चलेंगे, फर्स्ट में भी फर्स्ट ले सकते हो, एम बराबर वन, एम बराबर वन के लिए जैसे एम बराबर वन रखेंगे तो वाई बराबर ई की पावर एक्स, तो वन प्लस पी प्लस क्यू एम बराबर वन के लिए वाई बराबर ई एक्स पूरक फलन का एक भाग है, पूरक फलन का एक भाग है यदि, तो रखो भाई इसमें एम का मान वन, वन प्लस पी प्लस क्यू बराबर जीरो, वन प्लस पी प्लस क्यू बराबर जीरो, यानी कि वन प्लस पी प्लस क्यू बराबर जीरो अगर हो जाता है तो आप कहोगे कि वाई बराबर ई की पावर एक्स पूरक फलन का एक भाग है। इसमें केस नंबर सेकेंड, एम बराबर माइनस वन के लिए, जैसे वन के लिए निकाला है ऐसे एम माइनस वन के लिए भी निकाल सकते हो, तो ये निकल के आएगा ई की पावर माइनस एक्स पूरक फलन का एक भाग है, पूरक फलन का एक भाग है यदि, रखो भाई एम की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, ये माइनस का पी हो जाएगा और ये क्यू, यदि वन माइनस पी प्लस क्यू बराबर जीरो। सॉरी, देखिए वन माइनस पी प्लस क्यू इक्व टू जीरो, अगर वन प्लस पी प्लस क्यू बराबर जीरो हो रहा हो तो, और वन माइनस पी प्लस क्यू बराबर जीरो हो रहा हो तो वाई बराबर ए की पावर एक्स और वाई बराबर ए की पावर माइनस एक्स। इसी प्रकार वाई बराबर ए की पावर टू एक्स होता तो एम बराबर थर्ड के लिए, ऐसे किसी के लिए भी निकाल सकते हो, एम की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। एम बराबर टू के लिए वाई बराबर ई की पावर टू एक्स सी एफ का एक भाग है, यदि एम का मान टू रखो, फोर प्लस टू एम प्लस क्यू, फोर प्लस टू एम प्लस क्यू इक्व टू जीरो। ये तो हो गया केस नंबर फर्स्ट। तो हमने क्या कहा आपसे, यदि वन प्लस पी प्लस क्यू बराबर जीरो हो जाए तो वाई बराबर ई की पावर एक्स, यदि वन माइनस पी प्लस क्यू बराबर जीरो हो जाए तो वाई बराबर ई की पावर माइनस एक्स, और यदि फोर प्लस टू एम प्लस क्यू बराबर जीरो हो जाए तो वाई बराबर ई की पावर टू एक्स, और यदि एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर जीरो हो जाए तो वाई बराबर ई की पावर एम एक्स सी एफ का एक भाग है। एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर जीरो, फोर प्लस पी टू पी, फोर प्लस टू पी प्लस क्यू इक्व टू जीरो। अब देखिए केस नंबर फर्स्ट निकाल चुके हो, ऐसे ही केस नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, यदि वाई बराबर एक्स ई पावर एम, यदि वाई बराबर एक्स ई पावर एम पूरक फलन का एक भाग है,
समीकरण एक का एक हल है ये मान लो, तब डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे यहां से तो वो आएगा एम एक्स एम माइनस वन, तथा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो वो निकल के आएगा, एक बार और अवकलन कीजिए भाई, एम एम माइनस वन एक्स ई पावर एम माइनस टू। उपरोक्त मान कहाँ रखेंगे भाई, समीकरण एक में रखेंगे आप, समीकरण एक आप जानते ही हो, तो मान तब एक से, तो एक था डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है इतने, फिर था आपका डी वाई वाई डी एक्स पी डी वाई वाई डी एक्स, डी वाई वाई डी एक्स की वैल्यू है आपकी एम एक्स की पावर एम माइनस वन, प्लस का क्यू वाई, वाई की वैल्यू है एक्स की पावर एम इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से एक्स की पावर एम आप कॉमन निकालोगे भाई, एक्स की पावर एम कॉमन निकालोगे, अब एक्स की पावर एम जैसे ही कॉमन निकालोगे तो एक्स की पावर एम कॉमन निकालिए भाई, ये बचेगा एम एम माइनस वन और एक्स की पावर माइनस का टू, ये बचेगा पी एम एक्स इनवर्स प्लस का क्यू इक्व टू जीरो। चूंकि वाई बराबर एक्स की पावर एम आपने पूरक फलन का एक भाग मानना है, तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, चूंकि एक्स की पावर एम नॉट इक्व टू जीरो। जब इसकी वैल्यू जीरो नहीं है तो किसकी वैल्यू जीरो होगी, एम एम माइनस वन एक्स की पावर माइनस का टू पी एम एक्स इनवर्स प्लस का क्यू इक्व टू जीरो। अब एक्स की पावर माइनस दो लघुत्तम लीजिए या फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बचेगा एम एम माइनस वन, ये बचेगा पी एम एक्स और ये बचेगा क्यू एक्स स्क्वायर क्यू एक्स स्क्वायर। यदि y बराबर एक्स की पावर m दिए हुए अवकल समीकरण का एक हल है तो m m माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्व टू जीरो, तो m m माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्व टू जीरो। अब इसमें भी केस चलेंगे, यदि m बराबर वन के लिए, m बराबर वन के लिए y बराबर एक्स की पावर वन सी एफ का एक भाग होगा, सी एफ का एक भाग है, यदि वैल्यू रखिए m का मान वन रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये बचेगा पी एक्स, ये बचेगा क्यू एक्स स्क्वायर, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, x कॉमन आई जाएगा तो यहाँ से बचेगा p प्लस क्यू एक्स इक्व टू जीरो। तो आप याद रखोगे कि y बराबर x सी एफ का एक भाग है, यदि p प्लस क्यू एक्स बराबर जीरो, p प्लस क्यू एक्स बराबर जीरो, p प्लस क्यू एक्स बराबर जीरो। ऐसे ही अगर हम बात करें केस नंबर सेकंड की, m बराबर दो के लिए, यदि m बराबर दो के लिए y बराबर एक्स स्क्वायर सी एफ का एक भाग है, यदि m बराबर दो के लिए y बराबर एक्स स्क्वायर सी एफ का एक भाग है, यदि m का मान दो रिप्लेस कर दीजिए समीकरण में, तो दो दो माइनस एक तो ये बचेगा आपका टू, प्लस ये आ जाएगा टू पी एक्स, और दो है दो दुनी चार, सॉरी सॉरी क्यू एक्स स्क्वायर, एम की वैल्यू रिप्लेस कर दी दो, तो वाई बराबर एक्स की पावर टू सी एफ का अगर एक भाग होगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर सी एफ का एक भाग होगा, यदि टू प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्व टू जीरो,
यदि 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यदि 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अगर वो आपसे पूछे y बराबर e की पावर एक्स सी एफ का एक भाग है कब, यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर जीरो, y बराबर e की पावर माइनस एक्स सी एफ का एक भाग है यदि 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर जीरो, और y बराबर e की पावर एम एक्स सी एफ का एक भाग है, तो वो वाली इक्वेशन लिख देंगे। और यदि y बराबर एक्स सी एफ का एक भाग है तो पी प्लस क्यू एक्स बराबर जीरो, ये रहा पी प्लस क्यू एक्स बराबर जीरो। और यदि वाई बराबर एक्स स्क्वायर सी एफ का एक भाग है तो 2 प्लस 2 px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इस प्रकार आप वैल्यूज निकाल सकते हो भाई। इस प्रकार आप सी एफ का एक भाग ज्ञात कर पाओगे किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है भाई, तो कल हम इसके क्वेश्चन कराएंगे आपको। आपकी बुक में एक नोट भी लिखा हुआ है पेज नंबर 187 पर। पेज नंबर जब 187 आप ओपन करोगे आप अपनी बुक का, तो पॉइंट दिए हुए हैं वाई बराबर ई की पावर एक्स पूरक फलन का एक भाग है यदि 1 प्लस p प्लस q बराबर जीरो, y बराबर e की पावर माइनस एक्स पूरक फलन का एक भाग है यदि 1 माइनस p प्लस q बराबर जीरो, और y बराबर e की पावर एम एक्स पूरक फलन का एक भाग है यदि एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर जीरो, y बराबर एक्स पूरक फलन का एक भाग है यदि p प्लस क्यू एक्स बराबर जीरो, और y बराबर एक्स स्क्वायर पूरक फलन का एक भाग है यदि 2 प्लस 2 px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब नोट भी दिया हुआ है इसमें भाई, रिमार्क भी दिया हुआ है। दिए हुए समीकरण में d2y/dx² का गुणांक सदैव 1 बनाएंगे, और 1 बनाने के बाद ही हम p और q का मान निकालेंगे। तो आप बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में गलती कर देते हैं, p और q की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो आपको सबसे पहले d2y/dx² का जो गुणांक है वो कितना बनाना होगा, 1। 1 बनाने के बाद ही आप p और q की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो हम आपको कराएंगे कल। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।